जुगनुओं ने अंधेरों से लड़ाई जीत ली है। जो मौजूदा सरकार थी ये तानाशाह और अहंकार सरकार थी। ये सरकार हमें कमज़ोर करके हमें तोड़ने का काम करना चाहती थी, लेकिन आज देश का किसान, देश की जनता और युवा जो लोग हैं आज वो जीत की खुशी मना रहे हैं, अपने घर की वापसी कर रहे हैं। आप बताइए, एक साल से किसान आंदोलन ये दिल्ली की चारों चौखटों पर जो था, ये सरकार हमें कमज़ोर करके तोड़ना चाहती थी पहले दिन से ही, हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही, लेकिन आज देश का किसान, आज हमें गर्व है इस देश में जो सम्मान किसानों को मिला है। पहले लोग किसान को किसान नहीं कहना चाहते थे, आज वही हमें सम्मान मिला है। इस सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, इसको झुकाया है देश के किसानों ने और जीत का जश्न मना के आज अपने घर की तरफ हम लोग लौट रहे हैं। क्या क्या लेकर जा रहे हैं किसान? देखिए, किसान जो लेके जा रहा है, एक तो जो सरकार हमारे ऊपर काले कानून थोप के आई थी, तीनों काले कानून, ये सरकार ने कानून वापस लिए हैं। और MSP पे जो हमारा गठन, उन्होंने बोला हम टीम गठित करेंगे। अब सरकार अगर उस पर टीम नहीं गठित करती है तो फिर वही देश का किसान है, वही देश की सड़कें हैं, वही गाजीपुर बॉर्डर है। तो ये सरकार जो है ये समझ ले, क्योंकि हम इनको कमजोर किए हैं। इतना आसान है, वही सड़कें, वही गाजीपुर बॉर्डर, वही लोग? देखिए, आसान इस देश में कुछ नहीं है। ठीक है, आप बताइए, जो सरकारें हमें कहती थी खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही आंदोलन जीवी पर जीवी जो लोग कहते थे, उनको सीधे तौर पे ये पता चल गया है कि देश का एक किसान ही ऐसा है जो इस सरकार को झुकाया है। ये सरकार झुकी है और हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार को मानना पड़ा है। आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, अभी सरकार बौखलाई हुई है कि जो पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो आखिर हम उस चुनाव में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वही थूक के सरकार ने चाटा है। आप बताइए, जो सरकार काले कानून लाई थी ये सरकार हमें थोपना चाहती थी, लेकिन देश के किसान एक साल से ज्यादा यहाँ आंदोलन में खड़े हुए थे। वही अब कहावत कही गई है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस आंदोलन से अब देश के किसानों का एक आयाम बदलेगी, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियां, अब ये इतिहास में देखा जाएगा कि गाजीपुर और टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे एक साल से ज्यादा देश का किसान बैठा हुआ था। MSP का क्या हुआ? MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं। तो जो मौजूदा ये स्थिति है, इस पे विचार गठित, जो हमारा आने वाला संयुक्त किसान मोर्चा है, वो आने वाले समय पे, क्योंकि 15 जनवरी को इसकी समीक्षा की जाएगी, अगर सरकार इस पे बात नहीं मानती है, अगर सरकार इस पे ध्यान केंद्रित नहीं रखती है कि किसान अभी घर पहुंचे हैं, तो इससे आगे और अभी फैसला होगा। आपको नहीं लगता बाजार लुट गया? नहीं, देखिए, अब वही कहेंगे झुमका जीरा रहे हो बरेली के बाजार में। हमारा झुमका गिरा नहीं है, अब सरकार झुमका गिर गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सरकार को करना पड़ेगा, ये सरकार सभी मांगे पूर्ण करेगी। आप देखते जाइएगा, हम पहले दिन से ही कहते आ रहे थे कि सरकार हमें कमजोर करना चाहती है, हमें तोड़ना चाहती थी, लेकिन हम संगठित रहे और एक रहे, सरकार को झुकना पड़ा। अब ये सरकार झुकेगी, इसको मानना पड़ेगा। पांडे जी, राइट विंग मीडिया लिख रहा है कि बड़े आसानी से किसानों को झुकाया, ये है हमारी मजबूत सरकार। अब आप बताइए, भक्तों की और स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, जो पहले योगेंद्र यादव ने कल कहा है इंटरव्यू में, अजीत अंजुम के साथ उनका वीडियो है, कि MSP तो पहले भी थी। देखिए, एक साल की लड़ाई लड़ने के बाद ये वाक्य आ रहा है। नहीं, देखिए, हमारी जो लड़ाई थी वो हक की लड़ाई थी, और हमने उस हक के लिए लड़ा है, वो हक हमें मिला है। तो आप बताइए, तीनों काले कानून सरकार जो थोपना चाहती थी वो वापस हुए हैं हमारे, सरकार ने वापस लिए हैं। MSP पे गारंटेड कानून सरकार कह रही है हम उस पर टीम गठित करते और बनाएंगे। भाई, 2011 से टीम गठित है, चल रही है। देखिए, 2011 से गठित है टीम, लेकिन अब सरकार पूरी तरह, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर ये सरकार नहीं बनाएगी तो इसको वोट की चोट से इस सरकार को बेदखल करने का काम किया जाएगा, सत्ता से इस सरकार को परिवर्तन किया जाएगा। जो हमें अगर गुमराह करेगा तो हम गुमराह नहीं होंगे। आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में, आप खड़े हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। मुश्किल सवाल आपसे करूंगा मैं जी। किसान कह रहे हैं कि हम कमेटी पे मान गए, कमेटी बन गई और काम हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहे हैं, वरुण गांधी भाजपा के MP हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है MSP पर गारंटी कानून, वो पार्टी के MP हैं, और यहाँ किसान कह रहे हैं हमें कमेटी पे मान जाएंगे। अब
देखिए सरकार के तरफ जो हमारे नहीं देखिए जो छह मांगे हमारे जो प्रस्ताव सरकार के पास गया वो हमारी सरकार ने कहा है कि आप ये मांगे हम पूरी करेंगे। ठीक है, मांगे पूरी नहीं होंगी तो भाई वोट का चोट भी है। अगर सरकार ये चाहे कि अब किसान आंदोलन खत्म हो गया है और सरकार अपने घर को चले जाएंगे, किसान अपने घर को चले जाएंगे, तो हम घर पे जाके बैठने वाले नहीं हैं। हम वहाँ पे आम जनमानस जो हमारे भाई बुजुर्ग हैं वो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि जो सरकार हमें अगर कमजोर करेगी। भाई वही ट्रैक्टर हैं, वही टालियां हैं, वही उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, हम लोग पहुंच फिर नहीं सकते। आप जब वोट की चोट देते हैं तो एक साल फिर इंतजार क्यों किया? आप तो गांव जा गांव में ही रहते, वोट की चोट वहां से भी दे देते। भाई ये सड़कों पे आने क्योंकि सरकार हमें कानून थोपना चाहती थी। सरकार कह रही थी ये तीनों काले कानून देश के किसानों के हित के लिए हैं। किसान के हित के लिए नहीं ये कानून बनाया गया था। अगर किसान के लिए हित के लिए होता तो हम लोग सड़कों पे नहीं होते, शायद सरकार मानती नहीं। सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि वो किसान के विरोधी कानून थे, उसलिए हम सड़कों पे बैठे हुए। सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए अभी टाल दिए गए, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। देखिए सरकार गुमराह करके जनता को गुमराह करना चाहती है, देश के किसानों को भी गुमराह करना चाहती थी, लेकिन देश का किसान गुमराह नहीं हुआ। और जो गुमराह नहीं हुआ वही लड़ा है, वही जीता है और हम जीते हैं। पत्रकार महोदय, आप स्ट्रीम मीडिया जैसे लोग जो दिखा रहे थे 28 तारीख को यही गाजीपुर बॉर्डर था, हमें ख़त्म करना चाह रहे थे 28 तारीख को, लेकिन हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते गए और संघर्ष करते गए। हम इस आंदोलन को जीत की तरफ बढ़े तो आज घर पहुँच रहे हैं। हमारे कितने बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आप बताइए उनके लिए क्या हो रहा है? देखिए उनके लिए सम्मान हमारे जो सरकार भी कही है, सरकार भी कही है, राज्य सरकारें उनको मुआवजा राज्य सरकारें दे। जो मौजूदा स्थिति है हमारे 700 से ज़्यादा किसान, हमने उनको खोया है। ठीक है, और इस आंदोलन में जो 378 दिन से हम लोग बैठे थे, ये सरकार केवल हमें गुमराह करना चाहती थी, अभी भी गुमराह करना चाह रही, लेकिन किसान अब गुमराह नहीं हुआ ये क्योंकि उन्होंने टीम गठित की है। पांडे जी, ये सवाल तो रहेगा ना कि आप गारंटी के लिए बार बार इस स्टेज से 50 बार टिकैत साहब बोले थे हमें गारंटी चाहिए ही चाहिए, फिर क्यों मान गए, एक मीटिंग में मान गए? भाई सरकार जो हमारी छह मांगे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भेजी, वो सरकार ने कहा कि हम इसको मानते हैं, गठित करेंगे टीम। देखिए मैं कह रहा हूँ वही, ये सरकार आंदोलन जीवी परजीवी हमें कहती थी, सरकार हमें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान बैठा रहा, देश का किसान रोडों पे सड़कों पे बैठा रहा, सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार जानती है इस किसान के ताकत को कि अगर किसानों को गुमराह करेंगे तो किसान सड़कों पे आके फिर हमारे खिलाफ आंदोलन कर देगा। ये सरकार मानेगी, आप देखिएगा, पहले से ही सरकार मानी है, अभी भी फिर मांगेगी। ये सरकार जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। इस सरकार अभी क्यों नहीं करी मांगे पूरी? भाई उसने लिख दिया, उन्होंने सारी चीजें लिख के और भेज दी है कि देश के किसान, क्योंकि 380 दिन हम भी रोडों पे बैठे थे, अब पहुंच रहे हैं घर की तरफ अपने। ये जो सारा मुद्दा है ये सरकार ने पूर्णता सब चीज मांग ली, MSP पे भी उन्होंने कह दिया है। तो अब देखिए, कह रहे हैं सड़कें वही हैं, ट्रैक्टर वही हैं, सब चीज वही है। अगर देश के किसानों को गुमराह की सरकारें तो फिर आएंगे भाई, लेकिन ये सरकार गुमराह अब नहीं कर पाएगा क्योंकि पांचों राज्यों का विधानसभा चुनाव है और इस सरकार को वोट की चोट से भगाया जाएगा। पांडे जी, आपने कहा जो छह मुद्दा जो भी था उसमें मतलब सरकार ने मान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा महापंचायत आपने लखनऊ में जाकर जो किया था लखीमपुर खीरी को लेकर, उसमें कई तमाम जो आप कह रहे जो किसान भी शहीद हुआ था, उस मुद्दा को लेकर के क्या कुछ हुआ वो अभी तक आपने जनता को बताया नहीं? देखिए जो अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है उसकी इन्होंने कहा हमने गिरफ्तारी कर दी है। ठीक है, गिरफ्तारी हो गई है, उनके ऊपर जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद ना महापंचायत? नहीं, गिरफ्तारी के बाद महापंचायत, क्योंकि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जो उनकी सूबे की डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने कहा था कि देश का किसान लखनऊ नहीं पहुंच सकता है। वो देश का किसान ने अपनी ताकत को दिखाया, लखनऊ में महापंचायत जो हुई वो किसानों की ताकत कि आप लखनऊ में हमें रोक नहीं सकते, ये भी एक हिंदुस्तान का एक प्रदेश वो है, राज्य शहर है, वहां हम लोग ने पहुंच के महापंचायत किया और सरकार को झुकाने का तो काम किया। जीत मानते हैं अपने इसको? देखिए जीत हम मानते हैं, जीत गए हैं, देश का किसान जीता है और ये सरकार झुकी है। देश युद्धवीर सिंह कहते हैं 50-50 हुआ है, देश का किसान जीता है। आप बताइए, सरकार से हमारी लड़ाई थी, तानाशाह अहंकारी सरकार से हमारी लड़ाई थी, इस सरकार ने देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन देश का किसान गुमराह नहीं हुआ। हम इस जीत को जीत मानेंगे और हम जीते हैं। अगर सरकार हमें कमजोर करना चाहेगी तो हम कमजोर कभी नहीं होंगे। देश का किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश रहेगा। ये कितनी भी तानाशाह सरकारें हैं इसको झुका नहीं सकती है।